क्वेश्चन है जेई मेन 2020 जनवरी अटेम्प्ट डे टू शिफ्ट वन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो थ्री टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू होल्ड टू दी पावर वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर देता हूँ तो यह आ जाएगा टू अपॉन टू दैट इज वन और पावर में आ जाएगा वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली फॉर्म बनेगा वो वन टू द पावर इन्फिनिटी बनेगा। और आपको पता है जब वन टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनता है तो फॉर्मुला हम क्या लगाते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स इस तरह से है कि आपको वो वन टू द पावर इन्फिनिटी बनने लगे तो इसका जो रिजल्ट आता दैट विल बी ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं। वो क्यों निकालते हैं उसके लिए आपको लिमिट की थ्योरी आनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप ये फॉर्मुला डायरेक्टली इस्तेमाल करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो जिसमें वन टू द पावर इन्फिनिटी आता है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो आप ध्यान से देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू होल पावर वन बाई एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और जो भी है ये एफ एक्स और जी एक्स है तो हम क्या लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन इंटू जी एक्स। अब बताओ क्या आएगा e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर से आएगा माइनस का फोर एक्स स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए तो रिजल्ट आएगा e टू दी पावर माइनस फोर अपॉन जीरो प्लस टू दैट इज e टू दी पावर माइनस टू दैट इज वन अपॉन ई स्क्वायर। इसका जो आंसर हुआ दैट इज वन अपॉन ई स्क्वायर, कौन सा पार्ट हुआ ए पार्ट इसका आंसर हुआ। थैंक यू।